हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, दैट इज ईआर डायग्राम, राइट? अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा डिक्शनरी। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी इज वॉट इट इज, इट प्रोवाइड डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा का मतलब क्या है कि जैसे जो डेवलपमेंट टीम है, डेवलपमेंट टीम को एक ऐसा डेटा प्रोवाइड करना जिससे उसको ये पता चल जाए कि ये डेटा कहाँ से आया है और किसके लिए है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि एक आपने आपके सॉ आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कोई इनवाइस जनरेट कर रहा है, कोई बिल जनरेट कर रहा है, ठीक है? अब ये बिल किसने जनरेट करा? हु हु जनरेट द बिल, टू होम किसके लिए जनरेट करा, और इसके अंदर क्या कंटेंट है, व्हाट कंटेंट, इसके अंदर क्या कंटेंट है, ये सभी चीजें डेटा डिक्शनरी में होती है। अब डेटा डिक्शनरी जो आपके क्या कहते हैं बुक में भी दिया हुआ है, डेटा डिक्शनरी के लिए आपको जैसे आपको इसको बनाना है, सिंपली आपने ये टेबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आप एक टेबल बना दीजिए ये इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं ऐसे, ये लाइन बनाना है आपको बीच में, ठीक है? सिंपली लाइन आप बनाएंगे, एक बस लाइन बनी हुई है ये। अब जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा एज्यूम, यहाँ पर आपने इनवॉइस लिखा, अब यहाँ पर आ जाए कि ये किस प्रोडक्ट की इनवॉइस है, प्रोडक्ट नहीं, ताकि सॉफ्टवेयर में कोडिंग करने में आपको क्या हो, कोडिंग करने में आपको आसानी हो, ठीक है? और इनवॉइस की क्या डेट है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट मान लीजिए यहां पर हमने डेट डाल दी 31st August 2020, ठीक है? मान लीजिए यहां पर हमने डाल दिया नेम ऑफ पार्टी, नेम। अब नेम में क्या होता है, नेम में होता है फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एड्रेस लिखा, ठीक है, एड्रेस। अब एड्रेस में क्या होता है, एड्रेस में होता है आपका से हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर या ऑफिस नंबर, हाउस नंबर एड्रेस किन से मिलके बना है, हाउस नंबर से मिलके बना है, ठीक है? और आपका एरिया, एरिया से मिलके बना है, ठीक है? प्लस सिटी, कौन सा सिटी है, प्लस स्टेट, ठीक है? तो ये हमारी एक डेटा डिक्शनरी है। अब इस डेटा डिक्शनरी को किसने बनाया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, ऊपर लिखेंगे, हमारे पास ऊपर जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, या अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें, जैसे मान लो हमने ये डेटा डिक्शनरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और इसको हमने छोटा कर लिया है, ये यहाँ पर लिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नेम
या हम यहाँ पे लिखेंगे ऑथर, किसने लिखा है। तो मान लीजिए कोई प्रोग्रामर होगा या कोई डिजाइनर होगा या एनालिस्ट होगा, तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया हमने, एनालिस्ट वन, किसी एनालिस्ट वन ने लिखा है। किस डेट को ये बनी है डेटा डिक्शनरी, तो यहाँ पर हमने डेट लिख दी, कुछ भी आपने लिख दिया, ठीक है, जो भी डेट्स हैं। पर्पस हमने लिख दिया, क्या पर्पस है, पर्पस में हमने लिख दिया बिलिंग। भाई आप प्रोग्रामर को डेटा डिक्शनरी क्यों यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामर को आप आइडिया दे रहे हैं कि किस तरीके से कोडिंग करनी है आपको। आइडिया देने के लिए हमारे पास डेटा ही होगा, डेटा से ही आइडिया दे सकते हैं। एक होता है ओरल आइडिया देना, अगर आप कोई आइडिया ओरल दे रहे हैं, ओरल ओरल का मतलब होता है मौखिक, मौखिक आइडिया दे रहे हैं तो वो कितने दिन याद रहेगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन। एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वहाँ पे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अगर आप हर चीज़ ओरल समझाने लगेंगे तब तो आप बहुत सी चीज़ें जो टीम है वो भूल जाएगी। तो टीम को ये याद रहे कि क्या हमें बनाना है, क्या डिज़ाइन करना है, उसके लिए डेटा डिक्शनरी, ईआर डायग्राम जैसे टूल्स यूज़ होते हैं, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, स्ट्रक्चर इंग्लिश, इस तरह के टूल्स यूज़ होते हैं जिससे कि वो डेटा को एक्सप्लेन कर सकें, किसको, प्रोग्रामिंग टीम को। तो यहाँ पर एक तो तरीका हो गया ओरल, तो ओरल बहुत अच्छा तरीका नहीं होता है, छोटी छोटी बातें तो आप ओरल कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें ओरल नहीं कर सकते हैं, उसको आपको रिटर्न देना पड़ेगा ताकि कल को टीम भूल ना जाए, क्लेम ना करे। ओरल में मान लीजिए आपने कोई 10 पॉइंट बताया, टीम ने कहा आपने 9 ही बताए थे, तो आपके पास क्या प्रूफ है, या आपने 9 बताया टीम ने कहा था आपने ऐसे नहीं ऐसे बताया था, तो आपके पास ओरल का क्या सबूत है, प्रूफ। भाई एक कंपनी में ये सब भी तो चीज़ें होती हैं कि एक एम्प्लॉय की जो गलती होगी वो दूसरे पे डालना चाहेगा कि हमसे गलती नहीं हुई है, वो इनसे गलती हुई है। तो यहाँ पर ओरल वाला बहुत अच्छा मेथड, इट इज़ नॉट वेरी गुड मेथड फॉर बिग डील्स। तो अब आपको डेवलपर को बताना है, तो डेवलपर को हम डेटा डिक्शनरी के थ्रू बता देंगे। तो इस तरीके से हम डेटा डिक्शनरी बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डेटा डिक्शनरी। ये डेटा डिक्शनरी आपके दिए हुए पेज नंबर 97 पर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है यूनिट 3। नेक्स्ट इज योर यूनिट 3। यूनिट थ्री कौन सी है आपकी, डेवलपिंग अ प्रपोजल एंड सिस्टम डिजाइन, ये नाम है, ये चैप्टर आपका यूनिट का नाम है, डेवलपिंग अ प्रपोजल एंड सिस्टम डिजाइन। प्रपोजल एंड सिस्टम डिजाइन, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड है प्रपोजल और सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रपोजल का मतलब होता है जब कोई चीज आप बनाने जा रहे होते हैं तो उसका एक प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव कि हम ये काम करने जा रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन देना कि हम ये काम करने जा रहे हैं, तो ये काम हम करें कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। वाह हमने माइक लगाया नहीं, और देखिए पता नहीं आता है कि नहीं आता है, बस ठीक है। तो यूनिट 3, वी विल स्टार्ट यूनिट 3। इन यूनिट 3 द फर्स्ट टॉपिक इज फीजिबिलिटी स्टडी, फर्स्ट टॉपिक इज फीजिबिलिटी स्टडी, ये हेडिंग आप डाल लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी ये पूछता है, फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप एक काम कर रहे हैं एक्स, एक एक्स नाम का वर्क है, अब इस एक्स नाम के वर्क में आपको जो रिटर्न मिलेगा, कोई भी काम आप दुनिया में जो भी करते हैं आप चाहते हैं कि उसका हमको क्या मिले, उसका हमको रिटर्न मिले, ठीक है।
अब ये रिटर्न हमें कितना परसेंट मिल रहा है? 1% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 50% रिटर्न मिल रहा है, 100% मिल रहा है, ठीक है? तो कितना परसेंट मिले और इसमें अच्छा कौन सा है? अच्छा तो 100% है, 100% किसी में मिलता नहीं है, कह रहे हैं सिर्फ हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमारी हमेशा कोशिश क्या होगी, हम ट्राई हमेशा क्या करेंगे, वी विल ट्राई फॉर बेस्ट, यानी कि हम हमेशा किसके लिए ट्राई करेंगे, 100 के लिए। हम हमेशा किसके लिए ट्राई करेंगे, 100 के लिए ट्राई करेंगे, ऑलवेज वी ट्राई फॉर 100। 100 अगर ट्राई नहीं कर पाएंगे तो 50 के लिए 50 ट्राई नहीं कर पाएंगे तो 20 के लिए 20 ट्राई नहीं कर पाएंगे तो 1 के लिए, मतलब हम पहले बेस्ट के लिए ट्राई करेंगे। तो ट्राई करने के लिए, अब ट्राई करने में हमारा क्या फायदा होगा, इसकी पूरी स्टडी जो है फिजिबिलिटी स्टडी कहलाती है, ठीक है? फायदा, फिजिबल का मतलब होता है किसी काम को करने में हमारा क्या फायदा है। फिजिबल, फिजिबल होता ना, फिजिबल का मतलब होता है किसी काम को करने में हमारा क्या फायदा है। अच्छा, हर काम को करने के पीछे एक स्वार्थ होता है, कोई भी काम करने, जैसे बड़ों को पानी पिला रहे हैं तो आप चाह रहे हैं उनकी दुआएं मिले, ठीक है? अपने दोस्त को आप कुछ खिला पिला रहे हैं, इसका मतलब आपको उससे कुछ चाहिए, है ना? आप अपने टीचर को क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा वर्क करके बार बार दिखा रहे हैं, उसकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि टीचर से अच्छे प्रैक्टिकल मार्क्स मिले, अच्छे थ्योरी मार्क्स मिले। आप कंपनी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ओवर वर्क कर रहे हैं, आपको आपको चाहते हैं कि ओवर टाइम भी मिले और हमारी सैलरी भी अच्छी हो और हमारा डेजिग्नेशन भी अच्छा हो। तो हर काम के पीछे स्वार्थ होता है। अब ये स्वार्थ गलत और सही दोनों होता है, तो स्वार्थ निगेटिव भी हो सकता है और स्वार्थ पॉजिटिव भी हो सकता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी यही निगेटिव और पॉजिटिव को ढूंढती है और आपके लिए एक एनालिसिस करता है। इन फिजिबिलिटी स्टडी क्या होगा, एनालिसिस, एनालिसिस होगा। फिजिबिलिटी स्टडी इज व्हाट, इट इज अ एनालिसिस फॉर व्हाट, फॉर बेस्ट। ये बेस्ट के लिए एक एनालिसिस है, ठीक है? इट इज एनालिसिस फॉर द बेस्ट। अब फिजिबिलिटी कई टाइप की होती है, ठीक है? तब हम यहाँ पर टाइप देख लेते हैं, लिख लेते हैं टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिबिलिटी यही है, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी, FS मतलब फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है? ऑपरेशनल ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी और टेक्निकल, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आप ये तीन अगर लिख देते हैं, ये तीन, इट इज, ये कैसी है, ये इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी होती हैं, जैसे लीगल फिजिबिलिटी स्टडी, टाइम फिजिबिलिटी स्टडी, पॉलिटिकल भी होती है, पॉलिटिकल फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है? तो ये इस तरह, इतने टाइप की फिजिबिलिटीज होती हैं। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी क्या डेवलप करेगी, डेवलप सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर डेवलप जब करेगी तो जाहिर सी बात है कि जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, क्लाइंट मतलब किसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट पे पे करेगा। अच्छा, ये जो पे है यानी पेमेंट, ये पेमेंट का क्या मतलब हुआ, पेमेंट का मतलब हुआ कि हमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, इसी के लिए तो काम हो रहा है सारा, मनी, इसी के लिए आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। हर पर्सन कहा ना, हर पर्सन स्वार्थ के लिए, कोई ना कोई स्वार्थ छुपा है हर चीज के पीछे, किसी का पैसा, किसी के पीछे कोई काम के पीछे पैसा होता है, कोई काम के पीछे जमीन होती है, कोई काम के पीछे कोई डिवाइस होती है, कोई किसी काम के पीछे खाना पीना होता है, तो वो अलग अलग स्वार्थ। खैर, तो कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, सॉफ्टवेयर कंपनीज दे डेवलप द सॉफ्टवेयर एंड क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाएगी, कंपनी क्लाइंट के लिए बनाएगी, क्लाइंट पे द, पे व्हाट, क्लाइंट पे द मनी, और इस मनी का क्या करेगा, मनी का जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करेगा, सॉफ्टवेयर कंपनी मनी को कैसे यूज करेगा, एज कॉस्ट, मतलब उसमें लगाएगा पैसा, कॉस्टिंग करेगा। कॉस्ट मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि उसको अगर एक्स पेमेंट मिल रहा है तो खर्चा कितना करेगा, एक्सपेंस होना चाहिए एक्स माइनस वन, ठीक है, खर्चा अगर एक्स माइनस वन होगा तो क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। लेकिन खर्चा अगर पेमेंट है एक्स और खर्चा हो रहा है एक्स प्लस वन तो क्या होगा, लॉस होगा। भाई कोई चीज 10 रुपए की है, खर्चा उस पर 10 रुपए का, मतलब 10 रुपए आपको मिल रहा है, लेकिन उस 10 रुपए को पाने के लिए आप 11 रुपए लगा देंगे, तब तो आपका 1 रुपया लॉस हो गया ना। तो या तो ऐसा होना चाहिए सिर्फ एक्स ही खर्चा करिए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लेकिन एक्स माइनस वन करेंगे तो प्रॉफिट होगा, एक्स प्लस वन करेंगे तो लॉस होगा, लेकिन अगर एक्स होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस कहते हैं। तो जो हमारा जो फर्स्ट फिजिबिलिटी है, दैट इज द इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी, इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्टडी अबाउट बजट, बजट की स्टडी होगी, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की बचत होगी, ठीक है, और किसका काम होगा यहाँ पर, एक्सपेंस अवॉइडेंस, कि हम एक्सपेंस को अवॉइड कैसे करें, और किस चीज की बात होगी इसमें इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में, कॉस्ट कटिंग, के हम कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके, जैसे कॉस्ट कटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप दो लोग कहीं एक मार्केट जा रहे हैं, अगर सेम मार्केट जा रहे हैं तो एक ही बाइक से या एक कार से चले जाइए, अगर आप अलग अलग कार या अलग अलग बाइक का इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल अलग अलग लगेगा, इससे आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आ जाएगी। तो कॉस्ट को कटिंग करने के लिए हम इस तरह के मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट आउट है, आपने प्रिंट आउट लिया, आपने 10 पेज प्रिंट आउट निकाला, 10ों पेज गलत हो गया, अगला आपको फिर 10 पेज निकाला वो भी गलत हो गया, तो इसका तरीका ये है कि आप 10 पेज प्रिंट आउट निकालिए, फिर उसके बाद अगर गलत हो जाए तो उसी के पीछे 10 और निकाल दीजिए, क्योंकि ये पहले वाले 10 तो पेज बर्बाद हो गए हैं तो पीछे का पेज हम यूज कर लेंगे, तो ये कॉस्ट कटिंग है। इस तरह की बहुत सी कॉस्ट कटिंग हम कर सकते हैं। कॉस्ट कटिंग में ये भी हो सकता है फिर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी में, कि हम अपने एम्प्लॉयज से ज्यादा काम करा सकते, जैसे आप मान लीजिए किसी कंपनी के चेयरमैन है, सीईओ है, तो अब आप चाहते हैं कि हमारे कंपनी में हम एम्प्लॉय ना बढ़ाएं, जो हमारे एम्प्लॉय हैं इन्हीं की थोड़ी सैलरी बढ़ाकर हम इनसे ज्यादा काम करा लेते हैं, यही हर कंपनी करती है, ये कंपनी की टेंडेंसी होती है कि कंपनी में आपके जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं की थोड़ी सैलरी बढ़ा करके हम और काम ज्यादा करा लेते हैं इनसे, नए एम्प्लॉय रखने से क्या फायदा। तो मान लीजिए अगर हमारे पास 30,000 का एम्प्लॉय है, उसकी हम सैलरी 5,000 भी बढ़ा देते हैं और उसको एक नया काम दे देते हैं तो वो खुशी खुशी करेगा। अच्छा, जो पुराना एम्प्लॉय है उसको कोई नया काम देंगे और सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो वो मुंह बनाएगा और गलत काम करेगा, काम भी सही से नहीं करेगा, तो अच्छी तरीके से काम करने से उसकी हमको सैलरी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तो हमें सैलरी पर मंथ 5,000 देनी पड़ रही। लेकिन अगर हम मान लीजिए 30,000 का भी एम्प्लॉय एक और रख लेते
तो हमें 30,000 पूरा खर्चा करना पड़ता पर मंथ, ऐसे हम कितना खर्चा कर रहे हैं, सिर्फ 5,000 और, यानी कि 25,000 रुपये हमने बचा लिए। इसी को हम कहते हैं कॉस्ट कटिंग। इस तरह के बहुत सारे मैनेजमेंट हैं जिनसे हम कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में यही है कि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर, मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए आया, और वो सॉफ्टवेयर बनने के लिए जो कस्टमर पे कर रहा है वो हमें 2 लाख पे कर रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब हमने उसका एस्टिमेट करा, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी वगैरह सब मेजर करी, उसमें हमें ये पता चला कि 1,98,000, 1,98,000 रुपीज़ जो है इसमें हमारे एक्सपेंस हो जाएंगे, यानी कि हमारी सेविंग कितनी की होगी, ओनली 2,000 की। और सॉफ्टवेयर कितने दिन में तैयार होगा, सॉफ्टवेयर तैयार होगा 6 मंथ में। तो अब बताइए ऐसे सॉफ्टवेयर हम लेंगे, हम फौरन मना कर देंगे कि नहीं भाई हम ये सॉफ्टवेयर नहीं लेंगे क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा बच नहीं रहा है। 2,000 रुपये 6 महीने में आप प्रॉफिट कमाएंगे, 1,98,000 रुपये लगा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत अच्छा ये बिजनेस नहीं माना जाएगा। हाँ, आपका ऐसा होता कि भाई 2 लाख रुपए है, आपने जब फिजिबिलिटी स्टडी करी तो आपने कहा भाई 1,60,000 रुपए का खर्चा है, यानी कि 40,000 रुपए बच रहा है, तो आपने कहा हाँ ये ठीक है, अच्छा स्मार्ट सेविंग है, यहाँ पर हम करते। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में यही चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। कॉस्टिंग है, बजट है, कैसे हम अपने कॉस्ट को सेव करें, कैसे बजट बनाए, ठीक है, क्या हमारा बजट है। फिर इसमें नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, या चलिए पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी पढ़ लेते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी में टेक्निकल का मतलब है कि आपके पास कोई भी, आप जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, उसके आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जो आप टूल्स यूज करने जा रहे हैं, तो टूल्स हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए आपने कहा हम साइकिल से जाके दूध ले आए, तो साइकिल से जा करके दूध लाना, यानी कि साइकिल क्या हो गई, टूल हो गया। जैसे आपने कहा लाओ चिट्ठी हम लिख दें, तो चिट्ठी लिखने के लिए जो कलम होगा, जो पेपर होगा, वो टूल्स हो गए। जैसे आपने ये कहा लाओ प्रोग्राम हम बना दें, सी का प्रोग्राम हम बना दें, तो सी का आप जो प्रोग्राम बनाएंगे, सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर आप यूज करेंगे, वो क्या हो जाएगा, एक टूल हो जाएगा। इसी तरीके से आपने मान लीजिए कहा हम ऐप डेवलपमेंट करें, अब ऐप डेवलपमेंट करने के लिए आपको ऐप्स चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन वो है नहीं, तो वो हमारे टूल्स हो गए। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया भाई हमारे पास हार्डवेयर हैं कि नहीं है पर्याप्त, ठीक है, हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं नहीं है या नहीं है। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो तो यही यूज होंगे ना, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, तो वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर हमें 100, हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हमें 100 कंप्यूटर्स की जरूरत है, तो हमारे पास कितने कंप्यूटर्स हैं, क्या 100 है या 90 है या 110 है। तो जनरली अगर हमें 100 कंप्यूटर की जरूरत है तो इसका मतलब हमारे पास कंप्यूटर भी पर्याप्त होना चाहिए और बैकअप में भी कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि आपके पास मान लीजिए टूल्स हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास है टूल ए, टूल बी, टूल सी, टूल डी, ये है। अब हमने चेक करा, चेक क्या चेक करा, चेक वर्किंग, इसकी भी वर्किंग चेक कर ली, इसकी भी वर्किंग चेक कर ली और इसकी भी वर्किंग चेक कर ली, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉरी जो टूल्स हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है,
ये भी परफेक्ट है, लेकिन हमारे ये जो सॉफ्टवेयर है यानी कि बी वाला जो टूल है ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी ये कहता है कि जो टूल्स आपके पास हैं, जैसे आपने मान लीजिए एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देने के लिए जो टूल्स हैं दैट इज योर पेन, योर हेडिंग पेन, योर रूलर, योर एडमिट कार्ड, ये सब टूल्स हो गए। अब आप अगर वहाँ पहुँचते हैं और आपके पास ये टूल्स नहीं रहते हैं तो आपका एग्जाम अफेक्ट करेगा। अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा तो एग्जाम देने नहीं मिलेगा, अगर पेन्स नहीं होंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, रूलर नहीं होगा, स्केल नहीं होगा तो आप लाइन वगैरह नहीं खींच सकते हैं। तो आपको ये सब चेक करके वहाँ पर जाना चाहिए, और अगर आप चेक करके वहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब आप टेक्निकली साउंड है आपका, और वो काम करते हुए ना, मान लीजिए पेन लेकर के जा रहे हैं तो पेन आपके पास है तो टेक्निकली तो आपके पास पेन है, यानी टेक्निकल फिजिबिलिटी इज गुड, लेकिन पेन चलता नहीं है यानी उसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी अच्छी नहीं है। आपने कहा मेरे पास मोबाइल है हम कॉल कर लेंगे, लेकिन आपके पास मोबाइल तो है लेकिन कॉलिंग टैरिफ नहीं है, तो आपके पास मोबाइल है ये हो गया हमारा टेक्निकल फिजिबिलिटी, लेकिन आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है ये हो गया आपका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, यानी जो वर्किंग है। इसका मतलब हम ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में क्या चीज टेस्ट करते हैं, टेस्ट द वर्किंग, इसमें हम वर्किंग टेस्ट करते हैं। क्लियर है? तो दिस इज योर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। बाकी छोटी छोटी फिजिबिलिटी हैं, जैसे आपका टाइम फिजिबिलिटी है। अब टाइम फिजिबिलिटी का मतलब हो गया, मान लीजिए क्लाइंट ने कहा कि हमें जो सॉफ्टवेयर है वो 8 मंथ में चाहिए, और जो डेवलपर है यानी कि जो हम लोग हैं वी आप लोग डेवलपर बनेंगे, तो जो डेवलपर है डेवलपर ने कहा कि साहब इसमें 12 मंथ लगेंगे। अब कस्टमर अगर कहे नहीं हमें 8 मंथ में ही चाहिए तो ये डील क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्लाइंट को अगर आप समझा ले जाते हैं कि भाई 12 महीने कैसे लगेंगे, तो अगर क्लाइंट मान जाता है तो इट्स गुड। तो टाइम फिजिबिलिटी में एक टाइम डिसाइड कर दिया जाता है, और ये जो टाइम होता है, जैसे मान लीजिए ये टाइम डिसाइड कर दिया, ये मान लीजिए है टाइम, ठीक है। अबे समझिए इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है ये बहुत जरूरी भी होती है। इसको हम कहते हैं टाइमलाइन, आपने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ा होगा। टाइमलाइन, ठीक है, और इस टाइमलाइन को दोनों फॉलो करेंगे, कौन, फॉलोड बाय डेवलपर एंड क्लाइंट, मतलब क्लाइंट भी फॉलो करेगा और डेवलपर भी फॉलो करेगा। तो कितना टाइम लगने वाला है, कितना टाइम बचा हुआ है, जो क्लाइंट टाइम कह रहा है क्या उस टाइम में आप पूरा कर पाएंगे, या जो डेवलपर टाइम कह रहा है उस टाइम में डेवलपर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो और जब दोनों में बात तय हो जाती है तो क्लाइंट और डेवलपर किसी एक टाइम को लेकर के फिक्स हो जाते हैं और फिर वो दोनों ही उसको फॉलो करते हैं। अब मान लीजिए एक बार टाइम की बात हो गई कि भाई हम 1 ईयर में बनाएंगे, अब ये नहीं कि क्लाइंट बार बार आके कहता रहा बीच में कि साहब 6 महीने में पूरा कर दीजिए, या डेवलपर कहे कि 1 साल में, मतलब सब फिक्स हो गया कि 1 साल में बन जाएगा, लेकिन डेवलपर बार बार आगे कह रहा है नहीं इसमें हमें जो है ना आप 5 मंथ्स और दीजिए, 6 मंथ और दीजिए, तो ये नहीं होगा पहले टाइम। इसीलिए टाइम फिजिबिलिटी स्टडी जो है, जो टाइम फिजिबिलिटी स्टडी है ये यही करता है कि आपका जिस क्या कहते हैं जितना भी टाइम लगना है वो टाइम इस स्टडी में कर लिया जाए, इसकी पूरी स्टडी हो जाएगी, पूरी एनालिसिस हो जाएगी, फिर काम शुरू करेंगे, क्योंकि जो बड़े काम होते हैं उसमें अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं करा तो वो फेल हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं टाइम फिजिबिलिटी, ठीक है। लीगल फिजिबिलिटी, ये आजकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि भाई आपके क्लाइंट ने कहा कि हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए लीगल फिजिबिलिटी ने कहा जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, अब वो सॉफ्टवेयर लीगल है या नहीं है, सॉफ्टवेयर लीगल यस और नो,
तो इस चीज की स्टडी, पूरी स्टडी की जाएगी कि सॉफ्टवेयर कौन बनवा रहा है, कौन क्लाइंट है, क्लाइंट का क्या बैकग्राउंड है, क्लाइंट किस उसके क्या बिजनेस एक्टिविटी है, लीगलिटी, अगर किसी की भी लीगलिटी चेक करनी हो तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में ऑफ बीट जाके रिपोर्ट पता करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि भाई आपके जैसे फादर हैं, फादर चाहते हैं पता करना कि आप अपने कॉलेज जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो वो ऑफ बीट जा करके आपका पीछा करवा करके या आपके दोस्तों से पूछ करके या मैनेजमेंट में पूछ करके या टीचरों से पूछ करके आपकी एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। फिर वो ये उस रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे कि आपको आगे काम करने दिया जाए या ना दिया जाए। इसी तरीके से लीगल फिजिबिलिटी भी होती है, जिसमें ये तय किया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो सॉफ्टवेयर लीगल चीजों के लिए, लीगल बिजनेस के लिए बन रहा है। ठीक है, तो वहां पर लीगल फिजिबिलिटी हो जाती है। इसी तरीके से एक इसमें फिजिबिलिटी आपने देखी, पॉलिटिकल फिजिबिलिटी, पॉलिटिकल फिजिबिलिटी। पॉलिटिकल फिजिबिलिटी का मतलब है कि भाई किसी भी तरह की जो राजनीति, हर जगह राजनीति हर सेक्टर में होती, तो इसमें भी होती है। तो पॉलिटिकल फिजिबिलिटी में भी इसमें भी ये देखा जाता है कि भाई कहीं से पॉलिटिक्स वगैरह का तो कुछ इसमें डोमिनेंसी नहीं है, कोई इफेक्ट तो नहीं है कि पॉलिटिकल कोई इफेक्ट इसमें हो या ऐसा करके कुछ बनाया जा रहा हो, ठीक है, जिससे किसी को पॉलिटिकल बहुत फायदा हो जाए या बहुत नुकसान हो जाए, तो वो चीजें भी इसमें देखी जाती हैं पॉलिटिकल फिजिबिलिटी में। ठीक है, जैसे कंपनी की खुद भी बहुत यूनियंस होती हैं, कंपनी की यूनियन होती है, एक टीम को प्रोजेक्ट मिल गया दूसरे टीम को प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो जिस टीम को मिला उसको बोनस भी मिलेगा, तो हो सकता है दूसरी टीम इसका अपोज करे कि भाई उसको मिल गया हमको क्यों नहीं मिला। तो बड़े बड़े कंपनीज में छोटी छोटी यूनियंस भी होती हैं जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहती हैं और कंपनी से टाइम टू टाइम फाइट भी करती हैं पॉलिटिकली, तो वो पॉलिटिकल फिजिबिलिटी स्टडीज में ये सारी चीजें आपके आती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिबिलिटी स्टडी। ओके, दैट्स इट एंड थैंक यू।